नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपका हमारे चैनल फैक्ट्स बिहाइंड हिंदी में। दोस्तों आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जहां ऐसी वैसी नहीं बल्कि हीरों की बारिश होती है। इन प्लैनेट्स पर ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे बेहद ही इंटरेस्टिंग साइंस छुपी हुई है जिसकी जानकारी आपको आगे वीडियो में मिलेगी। प्लीज वीडियो को आखिर तक देखिएगा और वीडियो देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। दोस्तों हमारे ब्रह्मांड में ऐसे कई अजीबोगरीब रहस्य छुपे हुए हैं जिनके बारे में जानकर आप दंग रह जाएंगे। आज मैं आपको कुछ ऐसे प्लैनेट्स के बारे में बताने जा रहा हूं जहां पानी या बर्फ की बजाय हीरों की बारिश होती है। यह बात सुनने में काफी अजीब लगती है लेकिन बिल्कुल सत्य है। शनि और बृहस्पति दो ऐसे ग्रह हैं जहां पर हीरों की बारिश होती है। वैज्ञानिकों के अनुसार इन ग्रहों के वातावरण में काफी ज्यादा मात्रा में मीथेन गैस मौजूद रहती है और तेज तूफान के साथ जब यह बारिश पड़ती है तो मीथेन गैस कार्बन का रूप ले लेती है। कार्बन के साथ मिलकर यहाँ पड़ने वाली बारिश नीचे आते आते ठोस ग्रेफाइट में बदल जाती है। ग्रेफाइट के ये कण इन ग्रहों के भीतरी तेज दबाव के कारण हीरों का रूप ले लेते हैं। दोस्तों हमारे वातावरण में जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसके कारण वाटर वेपर्स का कंडेंसेशन होता है और इसी तरह आसमान में मौजूद बादल बारिश और ओलों की शक्ल लेकर धरती पर गिरते हैं। शनि और बृहस्पति के एटमॉस्फेयर में मीथेन गैस मौजूद है और इसे प्रेशराइज्ड करने पर हाइड्रोजन अलग हो जाता है और कार्बन डायमंड यानी हीरों की शक्ल ले लेता है। वैज्ञानिकों के अनुसार शनि और बृहस्पति में इन हीरों का आकार काफी बड़ा हो सकता है जो कि सामान्य ओलों के आकार से लेकर पत्थर के आकार जितना बड़ा हो सकता है। हाल ही में दोस्तों अमेरिका और फ्रांस के खगोलीय वैज्ञानिकों ने एक ऐसा ग्रह खोजा है जो हीरों से बना हुआ है। वैज्ञानिकों ने हीरों से बने इस ग्रह को 55 कैंकरी ई का नाम दिया है। यह ग्रह हमारी पृथ्वी से दो गुना बड़ा है। यह ग्रह अपने से 40 लाइट ईयर दूर सूर्य जैसे किसी तारे का चक्कर लगा रहा है। यह ग्रह इतनी तेजी से उस तारे का चक्कर लगा रहा है कि इसे एक चक्कर पूरा करने में मात्र 18 घंटों का ही समय लगता है और दूसरी तरफ धरती को सूर्य का एक चक्कर लगाने में 365 दिन यानी एक साल का समय लगता है। खगोलीय वैज्ञानिकों का मानना है कि इस ग्रह की सतह डायमंड्स और ग्रेनाइट से बनी है और इसका तापमान 648 डिग्री सेल्सियस है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की जानकारी। आशा करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें और इस तरह की और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।